और जब क्लास 10th इंग्लिश मीडियम पोयम लाइक स्ल ऑफ इनिस फ्री को देखेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसके पोएट है डब्ल्यू बी येट्स। मैं हेमंत विश्वकर्मा, श्री उमा विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हाटपिपलिया। डब्ल्यू बी येट्स, इनका जन्म 1865 के अंदर हुआ था और इनकी मृत्यु 1939 को हुई। आइए हम पोयम पढ़ते हैं। पोयम का फर्स्ट स्टेंजा है, तीन स्टेंजा दिए हैं इसके अंदर, फर्स्ट स्टेंजा देखते हैं हम। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिस फ्री एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड बैटल्स मैड। नाइन बीन रोज विल आई हैव देयर a hive for the honey bee and live alone in the bee lord glad। आइए अब इस स्टेंजा को समझते हैं या कुछ मीनिंग से पहले वो देख लीजिए। arise, arise का मतलब होता है स्टैंड अप, मतलब उठना। इनिस फ्री जो है लेक का नाम है। स्मॉल केबिन, एक छोटा कमरा या रूम। क्ले, मिट्टी को कहते हैं। वैटल्स उन लकड़ियों को कहते हैं, उन टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियों को कहते हैं जिनसे फेंस बनाई जाती है चारों तरफ। बीन रोज जो है ये फलीदार कोई फसल होती है, उसको कहते हैं। हनी बी, मधुमक्खी यह जो होती है उन्हें कहा जाता है। बी लॉर्ड है ना, मधुमक्खियों की भिन भिनाने की आवाज को कहते हैं। और ग्लैड का मतलब होता है ओपन स्पेस या खुला सा स्थान, उसे कहते हैं। आइए देखते हैं पोएट यहां पर क्या समझाना चाहते हैं। आई यहां पर पोएट है, पोएट कौन है, डब्ल्यू बी येट्स से। आई विल अराइज एंड गो नाउ, मैं जाना चाहूंगा, मैं जाऊंगा। एंड गो टू इनिस फ्री, और कहां जाऊंगा, इनिस फ्री झील पर जाऊंगा। एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर, और पोएट कह रहे वहां पर, और वहां पर एक छोटा सा जो एक रूम है कैबिन में वहां बनाऊंगा। ऑफ क्ले एंड मेटल्स मेड, ये कैबिन जो बनाएंगे पोएट, ये किससे बनाएंगे, मिट्टी से और मेटल्स। मेरे मेटल्स मैंने आपको बताया था जिससे हम जो फैंस बनाते हैं उन टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियों को मेटल्स कहते हैं। या पोएट कह रहे हैं कि वो जो रूम में बनाऊंगा इन इस फ्री पर, वो जो है मिट्टी का और उन लकड़ियों से मिलकर मैं बनाऊंगा। आगे पॉइंट कह रहे हैं, नाइन बीन रोज विल आई हैव देयर, और वहां मैं रहूंगा तो मैं भोजन के लिए वहां पर अपने स्वयं के भोजन के लिए क्या करूंगा, बीन लगाऊंगा, अर्थात भोजन की व्यवस्था करने के लिए वहां पर मैं जो है कुछ फसल भी लगा दूंगा। अ हाइव फॉर द हनी बी, और कुछ भोजन जो मैं बी होती, जो मधुमक्खियां होती है उनके छत्ते से भी लूंगा। एंड लीव अलोन इन द बी लॉर्ड ग्लैड, और वहां उस स्थान पर मैं अकेला ही रहूंगा, शांति से रहूंगा, जहां पर मुझे हनी बी की आवाज उस खुले स्थान पर सुनाई देगी, मैं ऐसी जगह रहूंगा। ये पहला स्टेंजा था। दूसरा स्टेंजा देखते हैं। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, देयर मिडनाइट्स आर अ ग्लिमर एंड नून अ पर्पल ग्लो, एंड इवनिंग फूल ऑफ द लिनेट्स विंग्स। आइए हम पहले इनके मीनिंग्स देख लेते हैं। यहां पर आ रहा है
कर ढके हुए रहना, या घूंघट को, या पर्दे को, या फिर हम कह सकते हैं कि बुरके वगैरह जिससे चेहरा ढकते हैं लोग लेडीज, उसके लिए शब्द आता है। क्रिकेट, क्रिकेट एक प्रकार का एक झिंगूर होता है जो बड़ी सुरीली आवाज में गुनगुनाता है, ग्लिमर चमक को कहते हैं। पर्पल ग्लो, पर्पल ग्लो का मतलब होता है सूर्य की जो पर्पल रंग की चमक होती है दोपहर के अंदर, उसे कहा है यहां पर। लिनेट, लिनेट एक प्रकार का पक्षी है जो सुरीली आवाज में गाता है। आइए हम इस स्टंजा को समझते हैं। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, पोएट कह रहे हैं कि जब मैं निष्क्रिय पर रहूंगा तो वहां मुझे निश्चित रूप से शांति का अनुभव होगा ऐसे एकांत स्थान पर। पर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो स्लो, आगे पोएट कह रहे हैं कि पीस, शांति जो आती है वो धीरे धीरे ही आती है। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, आगे पोएट कह रहे हैं कि सुबह सुबह जब धूप, थोड़ा सा धूप के अंदर क्या है, थोड़ा सा कोहरा सा छाया रहता है, ऐसा लगता है कि धूप जो है सुबह जो है धुंधली सी है, तो यह पोएट कह रहे हैं कि ऐसी सुबह जब उसने कोहरे का थोड़ा सा घूंघट सा ओढ़ रखा है, मैं उसे निहारूंगा और उसे निहार कर शांति का अनुभव करूंगा। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि वही क्रिकेट जो है, वो झिंगूर जो है वो भिन बनाएंगे, वो गीत गाएंगे, तो उसे मैं सुनकर शांति का अनुभव करूंगा, वहां मुझे पीस मिलेगी। आगे कह रहे हो देयर मिडनाइट्स आर ए ग्लिमर, और वही शाम के समय रात्रि में, मिडनाइट में मध्य रात्रि को मैं जब बाहर निकलकर आसमान में देखूंगा तो मुझे सितारे चमकते हुए दिखाई देंगे, जिससे कि मुझे शांति का अनुभव होगा, मुझे पीस जो है महसूस होगी। एंड नून अ पर्पल ग्लो, वही दोपहर के समय जो सूर्य की रोशनी होगी वो बड़ी सुनहरी सी मुझे दिखाई देगी, तो उससे मुझे बड़ी शांति फील होगी। एंड इवनिंग फूल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, और शाम के समय मैं आसमान में लिनेट पक्षी को उड़ते हुए देखूंगा तो मुझे पीस फील होगी। इस प्रकार से अलग अलग समय का यहाँ पर जिक्र करके पोएट कह रहे हैं कि मुझे हर समय वहां पर इनिस्फ्री पर एक पीस, एक शांति जो है फील होगी। लास्ट स्टेंजा देखते हैं इसका। आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, आई हियर लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर while I stand on the roadway or on the pavement's grave, I hear it in the deep earth's core। यहाँ पे कुछ मीनिंग देखिए आप, वही मैंने जैसा बताया, राइज का मतलब होता है स्टैंड अप होना, खड़े होना। डे एंड नाइट एंड डे का मतलब होता है हर पल, पूरा जो मीन अगर हम देखेंगे तो यहाँ हर पल से आएगा, हर समय। लैपिंग का मतलब होता है उछल कूद करना, शोर का मतलब होता है तट, रोडवे, रोडवे का मतलब होता है सड़क के रास्ते जब चलते हैं अपन, वो या सड़क किनारे कहीं भी। पेवमेंट्स ग्रे, पेवमेंट्स ग्रे का मतलब होता है वही सड़क के साइड में जो जगह बनी हुई होती है उसे कहा गया है यहां पर। डीप हार्ट स्कोर, डीप हार्ट स्कोर का मतलब होता है मन की गहराई। आइए इस लास्ट स्टेंजा को देखते हैं। आई विल अराइज एंड गो नाउ, मैं उठता हूं और उठूंगा और जाऊंगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, आई हियर लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर, पोएट कह रहे कि हर समय मैं इस झील के पानी को तट पर टकराते हुए सुनता हूं, अर्थात तट पर टकराते हुए इस पानी की आवाज मुझे सुनाई देती है।
व्हाइल आई स्टेड ऑन द रोडवे, उस दौरान जब मैं सड़क किनारे या सड़क पर चलता हूं, और ऑन द पेवमेंट्स दे या सड़क के किनारे जो पेवमेंट बने हुए उस पर चलता हूं, आई हियर इट इन द डीप अर्थ कोर, तो मैं इसकी आवाज को, इस झील की पानी की आवाज को अपने गहरे मन से महसूस करता हूं, सुनता हूं, और ये जो आवाज है ये मुझे अपनी ओर खींचती है। इस प्रकार से पोएट जो है यहां पर ये बताते हैं कि झील के पास में जो है ये एक कैबिन बनाकर वहां शांति का अनुभव करना चाहते हैं। वो इस जो है शोरगुल वाले स्थान से, इस अशांति वाले स्थान से दूर रहकर और अपने जीवन को बिताना चाहते हैं। ऐसा जो है ऐसी इनकी फीलिंग्स है इस पोएट के माध्यम से। थैंक यू।